सर आया था इससे पहले क्लास में, सर क्या मैसेज इससे पहले वाली क्लास में आया था। करता हूँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है 2-3 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये बताओ आप लोग के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? मतलब किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो तो बता सकते हो आप लोग मेरे से? बताओ आप लोग, किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है का बहुत ज्यादा अच्छे क्या? अच्छा फ्रेश वगैरह भी। बताओ बताओ, आप लोग बताओगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। अभी कहाँ नेक्स्ट मंथ दिक्कत आ सर रही है? पेपर होंगे ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे। पेपर क्या हो रहा है? नेक्स्ट मंथ अभी पेपर होंगे ना, मेरे तो स्कूल वालों का बड़ा प्रेशर हो गया वहां पे। अच्छा स्कूल का प्रेशर हो रहा है इसकी वजह से, मतलब ऐसे हो रहा है। कब है स्कूल का यस प्रेशर? कब स्कूल का पेपर कब है? सर 15 से स्टार्ट है हमारे चलो 15 से स्टार्ट है ना, देखा जाएगा। तब तक आप टेस्ट लोग पे टेस्ट। पढ़ाई करो, देखा जाएगा उसको भी, उसको भी देख लिया जाएगा। जब तक अभी तक देख लिया गया ना उसको भी देखा जाएगा। जस्ट एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, हम लोग उसी को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? ठीक यस सर। है, जस्ट एक मिनट, मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाऊँ, मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाऊँ। वैशाली को भी कुछ हुआ है क्या? वो भी क्लास नहीं आ रही है? स्कूल का बहुत काम हो रहा है, क्या ही करोगे। देखो सबके पास 24 आवर ही होते हैं, इनमें जो सही से यूज कर लिया ना, अच्छा से मतलब कर लिया ना, तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है। तो आप लोग ना इस टाइम को मैनेज करो, मानते हैं क्रूशियल टाइम है, लेकिन अब आपके पास केवल और केवल 3 महीने ही बचे हैं। इसी 3 महीने में आपको क्या करना, बेस्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? बताओ समझ रहे हो ना? तो ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो ये मैंने बता दिया था क्या, यह मोनोहाइड्रिक है, यह डाईहाइड्रिक है और यह ट्राईहाइड्रिक है। क्लियर था? क्लियर था। ये यस प्राइमरी एल्कोहल मानो कि जो OH अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो और वह कार्बन केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर वह कार्बन किसी दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी एल्कोहल, और वह कार्बन किसी तीन कार्बन से जुड़ा हो तो टर्सरी। बताया था ना मैंने ये? क्लियर यस है? अब देखो सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है। अब इस सिंगल बॉन्ड से कोई अगर OH जुड़ता है तो एलाइलिक एल्कोहल, कोई एक्स ग्रुप जुड़ता है तो एलाइलिक हैलाइड होता है, यही होता है ना, सर। यही होता है। लेकिन अगर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ जाए तो विनाइलिक हो जाता है। क्या हो जाता है? विनाइलिक हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब देखो एक होता है बेंजाइलिक, आपको यह पता है कि यह बेंजील ग्रुप है, यह कौन सा ग्रुप है? बेंजील ग्रुप है। अगर बेंजील ग्रुप से कोई भी OH ग्रुप लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। विनाइलिक हो ही गया था, ये सब मोनो डाई ट्राई है हो ही गया था, ईथर हो ही गया था, नॉमिनक्लेचर, ये सब मैंने कॉमन नेम्स बता दिए थे ना आप लोग को, बता यस सर। दिया था।
अब बात कर लेते हैं ना, थोड़ा प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? प्रिपरेशन की। कि हम लोग ना, हम लोग अब सबसे पहली बात है, हम अल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे। किसका प्रिपरेशन देखेंगे बताओ जरा? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ, बताओ जरा, अल्कोहल्स। हम लोग ना अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बताओ कि अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? बाई एसिडिक हाइड्रेशन। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? नहीं बताया था ना? नहीं बताया, नहीं बताया था। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कोई R है। R का मतलब आप क्या मान लोगे? कोई भी एल्किल ग्रुप, यानी कि हम CH3 मान लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसमें पता है क्या होगा? एसिडिक H2O होगा। एसिडिक H2O का क्या मतलब होगा? एक H+ होगा और एक H2O होगा। अब H+ की जगह पे क्या हो सकता है? H2SO4 भी हो सकता है, क्योंकि यह भी तो एसिड है ना। इसका हमारा मेन मकसद क्या है? H+ को निकालना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3। जरा बताना, अगर यह बॉन्ड टूटेगा तो किसके पे पॉजिटिव बनेगा, किसके पे नेगेटिव बनेगा? पॉजिटिव कौन से वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो बता सकते हो ना जीओसी की हेल्प से? बीच वाले कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा। अब ये बताओ, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना तो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाके चिपकेगा? सर CH2 पे, तीसरे वाले पे। यहाँ पे पॉजिटिव बना, बॉन्ड टूटा और यहाँ पे CH3 बन गया। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास इसमें H2O भी है। क्या है? H2O भी है। H2O के पास होता है लोन पेयर। अब यह लोन पेयर जाके पता है क्या, ये पॉजिटिव वाले पे जाके ऐड हो जाएगा। अब आप बताओ, जब पॉजिटिव वाले पे जाके ऐड हो जाएगा क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? पॉजिटिव के पास नेगेटिव चला गया तो वो तो न्यूट्रल कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन का खुद का लोन पेयर यूज हुआ ना, तो क्या ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? बोलो आप लोग, आ जाएगा। अब ये बताओ, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब यह जो बॉन्ड है क्या वह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है? अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। तो उस तरीके से हमारे पास क्या बन गया जरा बताओ? क्या अल्कोहल बन गया क्या? यस सर, क्लियर है। कभी भी ऐसा कंडीशन आए आप दोनों बॉन्ड को तोड़ना, जिस वाले पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा हमारे पास जाके कहां पे OH कहां पे बनेगा? वहीं पे जाके बनेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ डाउट है? यस सर। और क्वेश्चन दूं आप लोग बताओगे? यस सर। क्वेश्चन देता हूं, एक मिनट हो गया। देखो यहां से क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। अब जरा बताओ कि हमारे पास OH माइनस 1, 2, 3, 4 कौन से नंबर कार्बन पे ऐड होगा? सर पहले पे देख, फिर से बताओ कि यह जब बॉन्ड टूटेगा तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज बनेगा? जरा बताओ, किस पे पॉजिटिव बनेगा, किस पे नेगेटिव बनेगा? जो पॉजिटिव होता है वो 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है ना? यस सर। तो यहाँ पे जो OH माइनस आएगा वो कहाँ से ऐड होगा? इसी पे ऐड होगा ना? सेकंड पे। यस सर। नहीं समझ आया?
सर आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं। मान लो कि अगर कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखो, वन टू थ्री, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एच प्लस एड कर दिया और एच टू एड कर दिया। अब जरा बताओ जो हमारे पास ओ एच माइनस है वो कहां पे ऐड होगा? कशिश सानू समझ आ रहा है? यस सर। सानू आप बताओ। यस सर। ठीक है, अब बताओ कहां पे ऐड होगा ओ एच माइनस, मतलब ओ एच कहां पे ऐड होगा? सर सेकंड पे। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये बताओ बॉन्ड टूटेगा या फिर पहले पे पॉजिटिव बन जाएगा या फिर दूसरे पे? मैं जो भी पॉसिबिलिटी है सब बना देता हूँ। अगर पहले पे पॉजिटिव बनेगा तो हमारे पास ऐसे होगा, और दूसरे वाले पे बनेगा तो ऐसे होगा। ठीक है, अब जरा आप लोग बताना, ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, क्या जो दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है क्या वो रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता है? क्या तीसरे वाले पे नहीं जा सकता है स्टेबल होने के लिए? पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको एक दो केस में बताया था, बोलो जरा। हो जाएगा सर, होता है। पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट होगा तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? अब बताओ, अब जो हमारे पास ओ एच माइनस है वो कहाँ पे ऐड होगा? तीसरे वाले पे ना? तीसरे वाले पे। क्लियर है क्या बातें? जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट करके वह अपने मैक्सिमम पॉसिबल मतलब स्टेबल वाले जगह पे जाना चाहता है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बातें कर सकते हो, बता सकते हो। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर, आई हैव, सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। ये रहा हमारे पास एसिड कैटेलाइज एसिडिक हाइड्रोजन। अब एक आता है हाइड्रोबोरेशन। क्या आता है? हाइड्रोबोरेशन, देखो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, पहले वाले में मतलब पहले ही बार में डाला मैंने बी एच थ्री और टी एच एफ डाला। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यह किसका काम करता है? सॉल्वेंट का काम करता है, इससे ज्यादा हमें कोई मतलब है नहीं, सॉल्वेंट का काम करता है। और दूसरे केस में क्या डाला, H2O2 और OH-। क्या आपको देख के नहीं लग रहा है क्या ये परऑक्साइड है? लग रहा है परऑक्साइड है। और जब भी परऑक्साइड होगा तो कौन सा रूल लगता है, क्या एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है? Yes, और एंटी मार्कोनिकोफ में कहां पे एडिशन होता है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो? Yes, sir. कहां पे ऐड होगा बताओ जरा, OH- कहां पे ऐड होगा? थर्ड नंबर। तीसरे नंबर पर ऐड होगा ना? यस सर। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। एक आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है बातें? ये सबको क्लियर है बातें? ये क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखो। इसमें ध्यान से देखो होता क्या है। सबसे पहली बात, हमारे पास एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है, और उसमें हमारे पास एक मरकरी का कोई एक कंपाउंड दे दिया एच जी ओ ए सी, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, एच टू ओ। और दूसरी बार में क्या दिया है हमारे पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड और साथ में ओ एच माइनस दिया हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो होता क्या है। सबसे पहली बात, हमारे पास R C H डबल बॉन्ड C H2 है,
और हमारे पास क्या है, एच जी है और ओ ए सी टू टाइम्स है ना, ओ ए सी, ओ ए सी, यह एसीटेट ग्रुप है। अब ये बताओ जो मरकरी होता है क्या वो मेटल होता है क्या? अब मेटल होगा तो उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव वाला पावर होगा, पॉजिटिव वाला पावर होगा। अब ये बताओ जो यह पाई बॉन्ड है, मैंने आपको बोला था पाई बॉन्ड क्या होता है, नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा तो क्या यह अट्रैक्ट होगा क्या मेटल की तरफ, बताओ जरा। देखो इसका जो दोनों बॉन्ड है ना वो टूट के किधर अट्रैक्ट हो जाता है, मेटल की तरफ हो जाता है, ऐसे बना दिया क्या मैंने। अब ये बताओ जब दो बॉन्ड अट्रैक्ट होगा तो इसके पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और एक वाला यह बाहर निकल जाता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब देखो कुछ ऐसे बना लेता है, ध्यान से देखो, R CH CH2, यहाँ पे है HG OAC, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, और यह तो हमारे पास OAC बाहर निकल गया है। अब आप बताओ इसमें क्या H2O भी है क्या, जरा बताना। और H2O होता है क्या, लोन पेयर होता है, क्या होता है इसके पास, लोन पेयर होता है। क्या यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा कि नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये बताओ किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब कि मान लो कि हम नहीं, हमारे पास 1 2 3 केस कर दें, तो ये बताओ यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा किसके पास अटैक करेगा, दूसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पर? सर दूसरे नंबर पर। आप लोग बताओ, तीसरे नंबर पर सर, दूसरे पर करेगा, दूसरे पर करेगा। देखो यह करता है दूसरे वाले पे, ठीक है, दूसरे वाले पे, जहां इसको देखता है कि जहां पॉजिटिव, ये बताओ कि दूसरे वाले पे डेल्टा पॉजिटिव बने और तीसरे वाले पे डेल्टा पॉजिटिव बने, तो डेल्टा पॉजिटिव किसके पे ज्यादा स्टेबल होता है? अरे दूसरे वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा ना, 2 डिग्री वाले पे, करेगा और इसको ओपन कर देगा। जब इसको ओपन कर देगा तो क्या कुछ ऐसे बनाएगा क्या, ध्यान से देखो, आर सी एच सी एच टू, अब इस पे क्या जुड़ गया हमारे पास, ओ एच एच, और इसके पे भी क्या हो जाएगा, लोन पेयर खुद का दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यह हमारे पास एच जी ओ ए सी। कुछ डाउट है किसी को? सर नो सर। सर दूसरा वाला कार्बन 2 डिग्री हुआ या 3? दूसरा वाला कार्बन 2 डिग्री ना सर, एच जी भी तो जुड़ा है, वो हम अभी फिलहाल कार्बोकेटाइन की, मतलब कि अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बताओ कि जो दूसरा वाला कार्बन है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पे स्टेबल होगा या फिर तीसरे वाले पे? सर दूसरे पे, दूसरे वाले पे, इसलिए हमने दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दिखा है, और H2O के पास होता है लोन पेयर, तो हमने उसी पे अटैक करा दिया है। क्लियर है? यस। अब ये बताओ जो OAC माइनस आया है, क्या OAC जो माइनस है वह हाइड्रोजन को ले लेगा क्या, और हाइड्रोजन H प्लस को ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ? yes, तक क्लियर sir. यहाँ तक क्लियर है। अब डब्बे में एक और चीज पड़ा है, डब्बे में क्या चीज पड़ा है जरा बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यह जब भी सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल जाए या फिर एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल जाए तो इसमें से H माइनस निकलता है, क्या निकलता है, H माइनस, और यह करता है न्यूक्लियोफाइल का काम, और H माइनस आपका अटैक करेगा यहाँ पे और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, आर सी एच सी एच थ्री और ओ एच, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? यस yes, सर। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है। मान लो आपको रिएजेंट कुछ याद ही कर जाना है, आपको कुछ रिएजेंट क्या कर जाना है, याद ही कर जाना कि कौन क्या का काम करता है। मान लो कि आपके पास ऐसे दिख जाए, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, पहले केस में मैंने डाल दिया एच जी ओ ए सी और साथ में क्या डाल दिया, एच टू ओ, और दूसरे केस में मैंने क्या डाल दिया, एन एन ए
BH4 डाल दिया, तो आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, जहां पे सबसे ज्यादा OH माइनस स्टेबल होगा वहीं पे बना देना है। बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 1, 2, 3 कौन से नंबर कार्बन पे स्टेबल होगा, पहले वाले पे ना, वहीं पे OH लगा दो, वहीं पे OH लगा दो, कोई किसी को कुछ भी डाउट? नो सर, नो डाउट, नो सर, कोई डाउट नहीं, यही करना है और कुछ नहीं करना। तो आप लोग को ना कुछ कुछ चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास अगला था बाई रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम सुना है? यस सर, यस सर, सुना तो है। क्या होता है? आरएमजीएक्स। क्या? आरएमजीएक्स, आरएमजीएक्स होता है ना, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, आरएमजीएक्स। अब इस आरएमजीएक्स का क्या मतलब है, सिंपल सी बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आरएमजीएक्स का क्या मतलब है, अब ये बताओ, R का मतलब कोई भी CH3 या फिर एल्किल ग्रुप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3, यहाँ पे तो Mg है, मेटल है, और X का क्या मतलब है, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हैलाइड जोड़ दो, क्लियर है क्या बातें? अब देखो ये करता क्या है, ध्यान से देखना है क्या करता है। यह पता है क्या, आपको पता होना चाहिए कि मेटल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, जब मेटल पॉजिटिव होगा तो यह बॉन्ड टूटेगा तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यह हमेशा इसमें ना आरएमजीएक्स में जो CH3 या फिर R ग्रुप होता है हमेशा किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, किसका काम करता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो आओ मैं बनाता हूँ, सबसे पहले मैं कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ, जरा बताना एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है क्या, बोलो, CHO होता है, और इसमें मैंने कोई भी आरएमजीएक्स ले लिया यानी कि CH3 MgBr ले लिया, क्लियर है, और इसके साथ हमेशा वाटर होता है, अगर नहीं भी लिखा हो तो भी हम क्या मान के चलेंगे, वाटर इसमें है। अब सिंपल सी बात बताओ, ये बताओ कि यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन मोर पॉजिटिव है, तो इसके पे डेल्टा माइनस और इसके पे डेल्टा प्लस आएगा, बोलो, आएगा, और आपको पता है कि इसके पे माइनस आएगा और इसके पे प्लस आएगा। ये बताओ कि यह जो CH3 है वह किस पे अटैक करेगा, क्या इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्या इसको हम लोग कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, बोलो, अटैक करेगा, और जब उस पे अटैक करेगा तो ध्यान से देखना CH, और यह CH3 वाला ही तो अटैक किया ना, अब जब अटैक करेगा ना तो यह जो बॉन्ड शेयरिंग वाला है ना, यह टूट के किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ये बताओ, ऑक्सीजन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है बातें मेरी, यस सर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बताओ, जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, MgBr प्लस है क्या, बोलो बोलो, यस सर, RCO MgBr हो जाता है, इससे जुड़ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही और यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, और मैंने यही बोला था ना कि इसमें पानी हमेशा होता है, तो पानी में बताना जरा क्या H2O होता है, तो HOH लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और HOH कुछ इस प्रकार लिखना ना कि OH माइनस Mg के साथ आए और जो H वाला किसके साथ आ जाए, ऑक्सीजन के साथ आ जाए। ये बताओ, जब H वाला ऑक्सीजन के साथ आएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, RCOH H और CH3, और यह क्या हो जाएगा, Mg BR और OH। किसी को कुछ भी डाउट होते यहाँ पे बताओ एक बार आप लोग, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा, क्लियर है, यस सर। इसका क्या नाम है, रौनक, क्लास में हो क्या आप रौनक? यस सर, रौनक आप क्लास में है क्या? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही रौनक आपकी, काफी दिन बाद आ रहे हो आप। यस सर, क्या हो गया सर,
वो एक मंथ के लीव पे थे, वो एनडीए का एग्जाम था, तो सर वो एनडीए का एग्जाम था तो एक मंथ के लीव लिए थे। हाँ अच्छा अभी सही, अभी हो गया एग्जाम? चलो सर, तो कैसा गया एग्जाम आपका? चलो बहुत अच्छा सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हो जाए अच्छे से। ठीक है, मैसेज करना आप मुझे, ठीक है? मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ इसको भी आप लोग प्रिपेयर करो, ठीक है? यस सर। इससे ना आपको डायरेक्ट इंट्री भी मिलती है, जिसने जेई का एग्जाम क्लियर कर लिया ना, वो डायरेक्ट एसएससी इंटरव्यू में जा सकता है। तो आप लोग जेई एग्जाम को भी ना वैल्यू दो। अगर जिसका मन हो एनडीए में जाने का ना, या फिर ऐसे आर्मी में जाने का, इंडियन आर्मी में, तो आप लोग जेई के थ्रू भी जा सकते हो बिना एनडीए एग्जाम दिए हुए। तो आप लोग जेई को भी वैल्यू दो, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि यह क्या है, यह एसीटल डिहाइड है क्या, मतलब कि दो कार्बन का है, ये बताओ क्या इसे 2 डिग्री एल्कोहल बना है क्या, जरा बताना कितने डिग्री अल्कोहल बना है। यह जो OH ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है क्या? 2 डिग्री, 2 डिग्री बना है। मान लेते हैं कि हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का नाम सुना है आपने? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें हम क्या ऐड कर दे रहे हैं? RMGX, यानी कि CH3MgBr। ये बताओ इसके पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इसके पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। यह बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्या यह माइनस वाला अटैक करेगा क्या यहाँ पे, बोलो जरा। yes, और जब अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे ओ पे माइनस आ जाएगा? यह एच है, यह एच है, और इस कार्बोनिल कार्बन से कौन जुड़ जाएगा? CH3 ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब ये बताओ कि Mg yes, पे प्लस चार्ज आएगा तो वह किससे जुड़ जाएगा, क्या इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा क्या, बोलो आप लोग। और इसमें क्या होता है, वाटर होता है, तो एच ओ एच ऐसे लिख सकते हो और ऐसे तोड़ सकते हो आप लोग, बोलो। इजी है ना? अरे बोलो भाई, आप लोग ये बताओ, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तो एक बार फिर से बता दीजिए। मैं फिर से बता दूंगा, आप पहले इसको नोट करो आप लोग, मैं फिर से बता दूंगा। ये बताओ इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो जरा, CH3 CH2 OH ऐसे लिख सकते हो। अब यह 1 डिग्री हो गया क्या? यस सर। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। एक बार करो, मैं फिर से बताता हूं। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। अब हम ले लेते हैं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला किसी को पता है? अभी तक हमने एल्डिहाइड लिया था, अब मैं क्या ले ले रहा हूँ? कीटोन ले ले रहा हूँ, ठीक है, कीटोन ले ले रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐड कर दिया। अब ये बताओ यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस और यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस, आएगा इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा। अब यह वाला पूरा कहाँ पे अटैक कर देगा? कार्बोनिल कार्बन पे। जब आप बताओ कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? देखो यहाँ पे ओ माइनस हो जाएगा, यह CH3 तो है ही। अब यह वाला CH3 जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बोलो। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ इस ऑक्सीजन से क्या ऐड हो जाएगा? MgBr ऐड हो जाएगा, बताओ आप लोग। यस सर। और आपको पता है कि इसमें वाटर ऑलरेडी होता है, तो एच ओ एच हो जाएगा। तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा, जो ओ एच माइनस होगा वह किसके साथ जुड़ जाएगा, बताओ? एमजी के साथ। और जो हमारे पास एच है वो किससे ऐड हो जाएगा, बताओ? नहीं बोल रहे हो आप लोग? कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो जरा बताना, एसीटोन का अगर मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो क्या बना? 3 डिग्री अल्कोहल बना कि नहीं बना? यस यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। मैं क्वेश्चन दूं आप लोग करोगे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, क्वेश्चन दूं मैं आप लोग को? यस सर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और साथ में हमारे पास कुछ ऐसे है,
मतलब सोचोगे कि मुझे इजी इजी क्वेश्चन बता के टफ दे दिया मुझे। करो आप लोग इसको। पर इसको जब तक सॉल्व नहीं करोगे। रिया आपको समझ आ रहा है? रिया बोरा? यस सर। रिया छाबरा? यस रिया छाबरा आपको समझ आ रहा है? चलो ठीक है। प्रतीक्षा? यस सर आ रहा है। करते करते रहो आप। नहीं हो पाया सर। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री। बिल्कुल भी नहीं, केवल फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। रौनक आप बता सकते हो? देखो मैं सॉल्व करूं, करता हूं। नंबरिंग कर लो, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करिए। अब ये बताओ ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे प्लस आएगा, फोर्थ वाले पे क्या आएगा? माइनस आएगा। इसके पे डेल्टा प्लस, इसके सॉरी डेल्टा माइनस और इसके पे डेल्टा प्लस। अब ये बताओ ये फोर्थ वाला जो आएगा वो किस पे अटैक करेगा? तीसरे वाले पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस 3 CH2 C। यहाँ पे O माइनस आएगा और यह O माइनस किससे ऐड हो जाएगा? MgBr से। और यह 1 2 3। अब इस तीसरे वाले से किसका कनेक्शन है बताओ? फोर्थ वाले का कनेक्शन है कि नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही। अब इसमें हमको पता है कि इसमें वाटर भी होता है, H O H कर दो CH3 CH2 C। यहाँ पे OH हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? कुछ ऐसे बन जाता है। बन गया क्या? जरा बताओ। ये बताओ कि यह जो OH जिस भी कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? क्या दो ही कार्बन से जुड़ा है ना? दो। 2 डिग्री होगा ना? यस सर। बोलो आप लोग। यस सर। नहीं समझ आया? कर लोगे आप लोग? यस सर। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कर लो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कर लोगे। देखो ये ग्रिगनार्ड, बताओ फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री बनेगा। यस सर। ये बताओ कि यह एसिटल्डिहाइड है यानी कि तो इसका 2 डिग्री बनेगा। यस सर। जहां भी कीटोन आ जाएगा तो कीटोन यानी एसीटोन वहां पे क्या बनेगा? 3 डिग्री। कुछ क्लास वर्क कर लिया जाए? आओ क्लास वर्क कर लेते हैं कुछ। चलो जरा इसका आंसर बताओ आप लोग। अभी मैंने बताया 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री। 3 डिग्री सर। क्या होगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। अभी मैंने बताया कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर एसीटोन से आप लोग कराओगे तो क्या बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। ठीक है।
क्लियर है। अब ये बताओ जरा, द नंबर ऑफ डाइहाइड्रिक फिनॉल्स पॉसिबल विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6O2, और हमें इसका क्या बनाना है जरा बताओ, डाइहाइड्रिक फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है हमें, डाइहाइड्रिक फिनॉल बनाना है। तो बताओ जरा हम लोग कितने डाइहाइड्रिक फिनॉल बना सकते हैं, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ इसका आंसर। भावना का आंसर आ गया, अदर बच्चे को किसी का नहीं आया। सबसे पहले सानू आपका, आप लोग कॉपी पेन लिए हो कि नहीं लिए हो, ये बताओ कि C6H2O2 यानी कि हमें हाइड्रिक बनाना है, तो सिंपल सी बात ये बताओ OH OH क्या यह एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, जरा बताना आप लोग। यस सर। अब देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, पहले तो मैंने पहले दूसरे पोजिशन पे बनाया, अब क्या मैं इसको पहले और तीसरे पोजीशन पे बना सकता हूँ? नो सर। बिल्कुल बना सकता हूँ, वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी तो पूछ रहा है ना। अब जरा बताओ क्या हम पहले और चौथे पोजीशन पे बना सकते हैं? यस सर। अब जरा बताओ सर, ये मेटा में थोड़े बनता है मेरे ख्याल से। बनाने की नहीं है, यह बस पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अब ये थोड़ी बोला है कि बताओ कि बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और बनता भी तो है ना। इसी का बताओ, मेटाक्रिसोल नाम होता है ना इसका, मैंने जब पिछली बार आपको नेम बताया था। यस सर। मेटाक्रिसोल नाम बताया था, मेटाक्रिसोल नहीं बताया था, कुछ और नाम था। तो क्लियर है क्या? अब हम बताओ कि आप ये बताओ कि इसको आप पांचवे नंबर पर ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते? नो सर। अगर पांच नंबर पर ऐड करोगे ना तो सेम दूसरे जैसे हो जाएगा, दूसरे नंबर जैसे हो जाएगा। क्लियर है? तो केवल और केवल कितने पॉसिबल बनेंगे बताओ? थ्री। चलो आप लोग जरा इसका आंसर बताओ, बताओ आप लोग इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। चलो ये बताओ कि हमें 3 डिग्री, अगर आर एम जी एक्स का यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का पहले वाले से रिएक्शन कराएंगे तो कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री बनेगा क्योंकि ये फॉर्मल डिहाइड है। दूसरे वाले से 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। तीसरे वाले से 3 डिग्री। और फिर फोर्थ वाले से 2 डिग्री। 2 डिग्री। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें समझ आ रही कि नहीं सबको समझ आ रही, ऐसे वो पूछ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, ये जरा बताना इनमें से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है? चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ। सानू आपकी आवाज नहीं आ रही आजकल। सर थर्ड वाला। देखो जो हमारे पास यहाँ पे सी वाला होगा ना, यह क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल है। क्या होगा बताओ जरा? एलाइलिक एलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे
डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद एक सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ओएच है। ये बताओ 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है इसमें? टू डिग्री अल्कोहल कौन सा है? दूसरा वाला। देखो पहला वाला कौन कितने डिग्री का अल्कोहल है ये बताओ। तो 2 डिग्री। यह ओएच जिस कार्बन से जुड़ा है ना, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो यह 3 डिग्री होगा। और दूसरा वाला? यस 2 डिग्री। 2 डिग्री। तीसरा वाला बताओ? 3 डिग्री। 3 डिग्री। और फोर्थ वाला? 1 डिग्री। 1 डिग्री। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़ते no, हैं। ये बताओ साइक्लोहेक्जेनॉल सर ऑप्शन ए। देखो साइक्लोहेक्जेनॉल का फोटो कैसे होता है, आप लोग नॉमिनेचर बोल रहे सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल है ना, 2 डिग्री है ना। यह ओएच जिस कार्बन से जुड़ा है कि वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री होगा ना। क्लियर है? क्लियर है। कर लोगे क्या आप लोगे? कर लेना ना, ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। आज ही मैं दूसरा लेक्चर इसका स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आप लोग को पिछले क्लास का काफी दिन हो गया था तो वो रिवाइज करा रहा था। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है सबको स्क्रीन? दिख रहा है। यस सर। ये तो मैंने कर ही लिया आप लोगों। अब देखो, अब हम पता है क्या, अभी तक हमने अल्कोहल किससे बनाया? बाई एल्कीन से। किसकी हेल्प से बनाया था? एल्कीन की हेल्प से बनाया था। एल्कीन की हेल्प से बनाया था ना, बताओ जरा। एल्कीन की हेल्प से बनाया था। एल्कीन पे आपने एसिड कैटलाइज किया था, एच प्लस और एच टू ओ किया था, और एल्कीन पे, और फिर उसके बाद क्या किया था आपने? उसके बाद आपने एल्डिहाइड कीटोन लिया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया था। अब हम पता है किसके किससे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से करेंगे। यह LiAlH4 यह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 यह भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 और मेटल कैटलिस्ट यह भी क्या है जरा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट है। यह तीनों अलग अलग रिएजेंट है और तीनों की अलग अलग की हेल्प से हम क्या करेंगे? रिड्यूस करके हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। क्लियर है मेरी बातें आप सबको? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो आओ हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। किसकी बात करते हैं? एक मिनट। जस्ट अ मिनट। हो गया? अब ध्यान से देखना, हमें करना क्या है। हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। क्या है हमारे पास बताओ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सिंपल सी बात है ना, हम रिडक्शन किसका करेंगे? हम रिडक्शन या फिर करेंगे एल्डिहाइड का, या फिर किसका करेंगे? कीटोन का। इन्हीं दोनों पे रिडक्शन करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी मैं बताता हूं कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसका काम कर रहे हैं? एल्डिहाइड का कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? CH3COOH, इसी को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं ना, बताओ जरा आप लोग। एल्डिहाइड बोलते हैं। yes, sir. तो हम ले रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलेंगे? LiAlH4। अब ये बताओ कि Li पे प्लस और Al पे माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि जो लिथियम होता है ना वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बताओ जरा। लिख सकते हैं, तो हमारे पास कुछ एल्युमिनियम ऐसे हो जाएगा। एल्युमिनियम पे कितने बॉन्ड? 4 हाइड्रोजन।
और इसके पे माइनस आ जाएगा एल्यूमिनियम पे। अब पता है क्या, जब भी Al, 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 H4 होता है ना, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वो कौन काम करता है, एच माइनस इसमें से निकलता है। Al, Al में से क्या निकलता है जरा बताओ, एच माइनस निकलता है। क्या निकलता है, एच माइनस। और जो एच माइनस होता है यही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और यह कहाँ पे जाकर अटैक करेगा आपका, कार्बोनिल कार्बन पे। कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। हमेशा Al, Al, H4 में से क्या निकलेगा बताओ, H-. और वो जाके जहां पे भी पॉजिटिव दिखेगा ना वहीं पे जाके अटैक करेगा। तो आप बताओ वहां से H निकल गया तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, C यहाँ पे O- हो जाएगा, यहाँ पे H है ही और यहाँ पे क्या है, H है। क्लियर है क्या बात है। अब इसके साथ साथ वाटर भी होता है, क्या होता है, वाटर, वाटर होता है। और वाटर का पता है क्या, ये H प्लस ले लेता है, और H प्लस ले लेगा तो इसके पास आ जाता है। तो देखो कुछ कैसे हो, CH3 H OH, तो क्या बन गया, क्या अल्कोहल, जरा बताना आप लोग। अल्कोहल बन गया, यस सर। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। यह तो रहा सिंपल एल्डिहाइड, यह सिंपल एल्डिहाइड। मान लो कि अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हो, और हमारे पास AlIAlH4 में से क्या होगा, एल्यूमिनियम H, 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 यही होगा ना, और इसमें से क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा, और माइनस इसके पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे H, कुछ ऐसे हो जाएगा जरा बताओ। और फिर इसमें क्या होता है, H2O होता है, H2O का H लेके यह क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। किसी को कुछ भी डाउट है बताओ आप लोग, किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर, नो डाउट है। अगर ये बताओ कि अगर मान लो एसिटल्डिहाइड है तो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, अगर फॉर्मल डिहाइड है तो 1 डिग्री बनाया। अगर वही मैं कीटोन ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, हम कीटोन ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं। अब ये बताओ कीटोन में से भी H माइनस आएगा, क्या इसके पर अटैक करेगा, बोलो, यस सर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा O माइनस, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है, H आ जाएगा। अब फिर से आपके पास पता है क्या होना चाहिए, H2O तो है ही, और H2O से H जाके इसके पे चला जाएगा, तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, क्लियर है, यस सर, कर लोगे आप लोग, ऐसे कर लोगे, कर लोगे। सेम जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ना, सेम इसी का भी सेम ऐसे ही क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, सेम ऐसे ही क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है। ध्यान से देखो, इसको भी मैं एसीटोन ले लेता हूँ, यह भी सेम प्रोडक्ट बनाता है, यह भी क्या बनाता है, सेम प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, PH, H, H और H। अब इसका H माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, CH3 CO माइनस CH3, यहाँ पे H आ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होता है, H2O होता है, इसका H कहाँ आके चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, CH3 H CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। एक मैं क्वेश्चन दूं आप लोग बता दोगे, यस सर, चलो पक्का बता दोगे ना, व्हाट्सएप करना आप लोग, हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक में है NA BH4
और साथ में जो वाटर है ना वह D2O दिया हुआ है। जब पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, Na BD4 और साथ में H2O दिया हुआ है, जरा बताओ दोनों में कैसा प्रोडक्ट बनेगा। चैट बॉक्स में बताओ, आपको अक्सर यह क्वेश्चन पूछता है, चैट बॉक्स में नहीं फोटो भेजो मुझे आपको। आप लोग फोटो भेजो, कर लिया क्या, हुआ क्या किसी से? किसी से हुआ तो आप लोग बता सकते हो। मैं करके बताऊं सर, आप बताओ, नहीं हुआ मेरे से। पहले केस में देखो, पहले केस में मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, C डबल बॉन्ड O और H। इस केस में बताओ कि हमारे पास जो B, H, H, H और H है, एक H आएगा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा CH3, CO माइनस हो जाएगा, H और H। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास D2O है ना, D2O, अब इसका आएगा, इससे ऐड हो जाएगा। D2O पता है ना, हैवी वाटर होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। बोलो, तो ऑप्शन में आपके ये वाला दिया होगा, तो यह वाला आप लोग टिक कर देना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है, देखा ना आपने कहाँ पे ऐड हुआ है, देख लिया। यस सर। CH3, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया, डी 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 और डी। अब यह एक डी आएगा यहां पे अटैक करेगा, तो CH3, सी ओ माइनस, एच और डी यहां पे हो जाएगा, और फिर से इसमें H2O दिया हुआ ना, एक एच आएगा यहां पे आ जाएगा, तो CH3, सी ओ एच हो जाएगा, एच और डी। समझ आया ना, पहले केस में डी कहां पे लगा हुआ है, दूसरे केस में डी कहां पे लगा हुआ है? यस सर। डाउट है किसे? कर लोगे आप लोग ऐसे? यस सर। यस सर। तो आप लोग दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके होगा ये, ठीक है? ओके सर। अब मैं बताता हूँ, जो हमारे पास NaBH4 है ना, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, यह कितने कितने को रिडक्शन कर सकता है? तो सबसे पहली बात, यह चार चीजों को रिडक्शन कर सकता है। एल्डिहाइड को रिडक्शन कर सकता है, कीटोन को भी रिडक्शन कर सकता है, और यह एसिड हैलाइड को भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं, इसका भी क्या कर सकता है, यह रिडक्शन कर सकता है, और इमाइन का भी रिडक्शन कर सकता है। इमाइन क्या होता है जरा बताओ, इसका भी यह क्या कर सकता है बताओ, रिडक्शन कर सकता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। मैं बारी बारी से बताऊं कैसे रिडक्शन किया है? यस सर। एल्डिहाइड कीटोन का तो मैंने बता दिया हूं ना, अब मान लो कि एसिड हैलाइड को एक ले लो, एसिड हैलाइड R C डबल बॉन्ड O, और मान लेते हैं कि हमने क्लोरीन ले लिया, और इसमें ना हमने NaBH4 ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे BH होगा, यह सेम रिएक्शन LiAlH4 के साथ भी होगा, इसका H आएगा यहाँ पे आएगा, तो ध्यान से देखो R C
वो माइनस हो जाता है या एच हो जाता है या क्लोरीन हो जाता है। अब इस केस में पता है क्या, यह जो माइनस चार्ज है ना वो दोबारा वापस आएगा कार्बन पे, कहाँ पे आएगा, दोबारा कार्बन पे आएगा। तो कार्बन का यही बताओ कि चार वैलेंसी तो कंप्लीट है ना, अब दोबारा डबल बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, तो किसी ना किसी एक को हटना पड़ेगा, चाहे R1 हटे, चाहे H2 हटे और चाहे Cl3 हटे, इन तीनों में से किसी ना किसी एक को हटना पड़ेगा ना जब ऑक्सीजन दोबारा है। ये बताओ कि हटने के बाद जो भी स्टेबल हो जाए ना वही हटना चाहेगा, तो मान लो R हटा तो R- बनेगा, H हटा तो H- बनेगा, क्लोरीन हटा तो क्लोरीन माइनस बटेगा। तो आपको पता है कि माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होता है, जिसका साइज बड़ा हो, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है ना। यस सर। और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, बन गया क्या। यस सर। अब फिर से ये बताओ कि अब अभी भी ब्रोमीन के पास तीन हाइड्रोजन तो है ना, एक ही हाइड्रोजन गया ना, अब फिर से एक हाइड्रोजन आएगा, इस पे अटैक करेगा, अब पुराना वाला प्रोसेस, अब एल्डिहाइड बन गया ना, अब पुराना वाला प्रोसेस हो जाएगा, H H, अब इसमें H2O से क्या हो जाएगा, H आएगा, इसके पैड हो जाएगा R C OH हो जाएगा H H। कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। सर जब हमने क्लोरीन को बाहर निकाला जिस समय, हां सर, वहां पर डायरेक्ट H2O से OH नहीं बन सकता, कहां से H2O से OH? अच्छा यहां पे सर, यहां पे क्लोरीन। यस सर। पता है क्यों नहीं बनता है, कि वह वापस इसलिए आता है ना, क्योंकि कोई निकलने के लिए रेडी रहता है, क्लोरीन निकलने के लिए रेडी रहता है, इसलिए वो वापस आता है। ओके सर। हां, हम इसके पास दो ऑप्शन था, चाहे H2O से OH ले सकता था या फिर क्लोरीन को बाहर निकाल सकता था, तो उसने क्लोरीन को बाहर निकालना आसान समझा, क्योंकि क्लोरीन निकलने वाला ही था, वो रुकता ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो माइनस चार्ज उसके पे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? यस सर। और यस सर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हो, देखो आर सी डबल ओ ओ सी एस थ्री, ऐसे भी ले सकते हो, और इसमें आप कुछ भी डाल दो, एल आई ए एल एच फोर ही डाल दो, मान लो ए एल हो जाएगा, एच 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 और एच, अब इसका एच जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, O माइनस एच ओ और सी एस थ्री। अब ये बताओ फिर से, ये O माइनस आना चाहेगा, और आना चाहेगा किसको बाहर निकालेगा, क्लियर है, इसको बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा, अब फिर से यह एल्डिहाइड बना लिया क्या, बोलो जरा, एल्डिहाइड बना लिया, और एल्डिहाइड से क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा ना, नहीं समझे आप लोग, एल्डिहाइड से एल्कोहल बना लेगा ना, क्लियर है, ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे रिएक्शंस क्या होता रहता है, चलता रहेगा, होता रहेगा। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता है, yes, बात कर लेते ना, H2 मेटल कैटलिस्ट, H2 मेटल कैटलिस्ट, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, R C डबल बॉन्ड O और H, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, कुछ ऐसे डाल दिया H2, और मेटल में हमने या फिर प्लेटिनम ले लिया या फिर पैलेडियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, H2 मेटल कैटलिस्ट। तो पता है क्या होता है, यहां से एक बॉन्ड टूटता है तो एक पे H यहाँ पे जुड़ जाता है, एक पे H यहाँ जुड़ जाता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है R C O H H H, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, R C H 2 O H बोलेंगे, क्लियर है क्या। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ, मान लेते हैं कि आप R ले लिया, C डबल बॉन्ड O और R ले लिया, और इस पे आपने क्या डाल दिया जरा बताओ, H2PT डाल दिया, ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे एक H जोड़ दो, दो H है ना, और एक कार्बन पे जोड़ दो, कुछ ऐसे बन जाएगा, कार्बन पे मैंने H जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन पे H जोड़ दिया, बन गया क्या, R सर, CH R OH, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो सर, कर लोगे आप लोग, यस सर, इसका आप लोग मैकेनिज्म बता सकते हो, यार इसमें से ये बताओ, E H H H और H, इसका आएगा यहाँ पे अटैक करेगा,
वहां पे अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, आर ओ आर और यहाँ पे एच, यहाँ पे माइनस है, फिर इसमें क्या होता है एच टू होता है ना, एच टू से एच जाके चला जाएगा, आर सी ओ एच हो जाएगा, आर हो जाएगा और एच हो जाएगा, यही होगा ना? यस सर, यही होगा। तो आप लोग ना पता है क्या, साथ साथ मैकेनिज्म बनाते चलना, आइडिया लगेगा। और सबसे पहली बात, बिना एरो के मत उड़ा देना, बहुत लोग का देखा हूँ इसकी, आप मुझे फोटो भेजे हो ना बिना एरो कैसे लगाते गए, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, एरो के साथ ही करना है। अगर एरो के साथ नहीं करोगे ना तो फिर आप लोग को मजा नहीं आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, आंसर ही नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा चल क्या, ठीक है? यस सर, आगे बढ़ते, ये बताओ एच टू पी डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, देखो आर सी एच टू एच, क्लियर है? यस सर। ये बताओ यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या सीन होगा, ध्यान से देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसमें मैंने क्या डाल दिया, एल आई एच, क्या कुछ ऐसे होगा, यह आएगा अटैक किस पे करेगा, आर सी ओ माइनस एच ओ एच, अब यह फिर से वापस आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच हो जाएगा, क्लियर है? अब ये बताओ कि यह एल्डिहाइड हो गया, और एल्डिहाइड को फिर से, तो अभी तीन हाइड्रोजन इसके पास बचे हैं ना, तीन हाइड्रोजन बने बचे हैं, तो फिर से क्या होगा, वही प्रोसेस होगा ओ माइनस एच एच, अब आपको पता है कि एच टू होता है और एच टू से निकल के इसके पास आ जाएगा, ये ना कुछ प्रोसेस आपको क्या करनी पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि इस केस में कौन सा प्रोसेस आएगा, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, नो सर, कर लोगे आप लोग? यस सर, कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन आएगा कर लेना। इस केस में देखो, इस केस में क्या बनता है प्रोडक्ट, आर सी डबल ओ ओ आर है, एल आई ए एल एच फोर है, अब ये बताओ एल आई ए एल एच फोर है तो क्या बनेगा, एल एल एच 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 एल एच, ये बताओ ये एच इसमें जाएगा क्या करेगा, आर सी ओ माइनस ओ माइनस ओ आर एच, फिर से यह वापस आएगा तो इसको बाहर निकालेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ, यह बन गया एल्डिहाइड, और जब इसको बाहर निकालेगा तो ओ माइनस होगा और आर होगा, होगा। yes, अब ये बताओ इसमें एच टू भी तो होता है ना, यस सर, जब एच इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, एक बन जाएगा, अब फिर से हमारे पास यह एल्डिहाइड है, अब फिर से यह भी तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होगा ना इसका भी, यह एल्डिहाइड वाला भी क्या बन जाएगा बताओ, एल्कोहल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं क्लियर हुआ, या आप लोग जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा क्या होगा आपको समझ आएगा, डाउट है किसी को? नो सर, एक मिनट रुको आप लोग थोड़ा सा, आप लोग ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा क्या होगा अच्छे से समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा ना अल्कोहल बनाने का मेथड फिनिश हो गया, अल्कोहल आपने कितने तरीके से बनाया जरा बताना, एसिड कैटेलाइज और उसके बाद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, उसके बाद एल आई एल एच फोर, उसके बाद एन ए बी एच फोर, उसके बाद आपने एच टू पीडी, पांच तरीके से आपने बनाया क्या बताओ जरा, अल्कोहल पांच तरीके से आपने। अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, सिंपल सी बात, मान लो कि हमने कोई एक अल्कोहल ले लिया CH3OH ले लिया, अगर आप इसमें HCl मिलाओगे ना तो पता है क्या होता है, यह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जैसे होता है, यह माइनस होगा Cl, यह इस पे अटैक करेगा और OH को क्या कर देगा बाहर कर देगा, भगा देगा, क्या RX हो जाएगा क्या, या फिर RCl हो जाएगा, और इसका H और इसका OH माइनस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, वाटर बना लेंगे,
यह जो दोनों बीच वाला रिएक्शन है ना, यह हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कोई आर ओ एच है और इसमें आपने पी सी एल थ्री मिला दिया, तो पता है क्या बन जाएगा, आर एक्स बन जाएगा या फिर आर सी एल बन जाएगा, और साथ ही साथ पी सी एल टू ओ एच बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, यह तो पी सी एल थ्री आपने बनाया तो आर एक्स बना, अगर वही आप आर ओ एच है और पी सी एल फाइव मिला दिए होते, तो जब भी आपने पी सी एल फाइव मिला दिया होता ना, तो आर एक्स तो बनता ही बनता, आर एक्स तो बनता ही बनता, साथ ही साथ क्या बनता, पीओ सी एल थ्री बनता। क्या बनता? पीओ सी एल थ्री, पीओ सी एल थ्री। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर पी सी एल थ्री डाले या फिर पी सी एल फाइव डाले तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और यह प्रोडक्ट आपको याद करना है क्योंकि यह प्रोडक्ट डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, done? Yes, sir. अगर मान लो कि वही आप आर ओ एच में आपने क्या ऐड कर दिया, एसओ सी एल टू ऐड कर दिया, तो इसमें क्या भी जो क्लोरीन होता है ना, वो रिप्लेस किसको कर देता है, ओ एच को रिप्लेस कर देता है, तो आर सी एल बन जाता है, एसओ टू बन जाता है, और क्या बन जाता है, एच सी एल बन जाता है। क्लियर है क्या मेरी बात है? Yes, sir. कुछ कुछ चीजें ना आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करना। Okay, बाकी सब तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्लास वर्क देख लेता हूँ। ये सब इसी का क्लास वर्क देख लेता हूँ। ये तो छोड़ो, ये तो मैंने अभी बताया नहीं, ये भी मैंने नहीं बताया, ये भी ल्यूकास रिएजेंट का है, ये भी ल्यूकास रिएजेंट का है, ये जरा बताना आप लोग, इसका आंसर तो बता सकते हो ना, देखो हमारे पास ना ये सब के सब एल्कोहल है, अब यह एल्कोहल है ना, तो इसी पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, वो भी किसका, एचबीआर का, यानी कि हमें ब्रोमीन ऐड कराना है, तो बताओ जरा किस पे ज्यादा सबसे अच्छा ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब कि हमें ब्रोमीन माइनस ऐड कराना है, से फर्स्ट वाले पर, अदर बाकी लोग सर सेकंड, सर ऑप्शन थ्री, देखो सिंपल सी बात, देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रोमीन ऐड कराना है, तो ब्रोमीन आप यही पे ऐड कराओगे ना ताकि एल्कोहल बाहर चला जाए, बोलो यही पे ऐड कराओगे ना ताकि ये ओएच ग्रुप क्या हो जाए, बाहर चला जाए, यही मेन रीजन है ना। अब बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बोलो आप लोग, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अब ये बताओ जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही उसी का रेट सबसे अच्छा होगा ना। यस सर, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से यह खींचने वाला ग्रुप लग गया है, दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। सबसे बेकार तो यही होगा हमारे पास, दूसरा वाला क्या होगा, सबसे बेकार होगा, उस हिसाब से या फिर तीसरा सही हो सकता है या फिर पहला, पहला। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं सबसे बेस्ट होगा, देने वाले ग्रुप किसमें लगे हैं, क्या इसी में लगे हैं ना, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये बताओ तीसरा वाला सबसे बेस्ट होगा ना। यस सर, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है बातें, समझ आई आपको कैसे करना है? यस सर, जीओसी का यूज करना है इसमें, सानू आपको समझ आ रहा है, इसका भी मैंने आपको ना वो नहीं बताया, क्या मैकेनिज्म नहीं बताया, सब का सब मैकेनिज्म से सही होगा, मैंने बोला ना अगर एल्कोहल होगा तो एल्कोहल को हटा के क्लोरीन लग जाएगा, अब क्लोरीन किस साइड लगेगा यह इसका मैकेनिज्म बताएगा, ठीक है, इसके मैकेनिज्म से पता करेंगे हम क्लोरीन। आप बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी बनता है सही होने का, या फिर पहला या फिर दूसरा, ये थोड़ी ऐड होता है, ये नहीं ऐड होता है ना। यस सर,
नहीं दूसरे अरे वाला क्लोरीन तो लग जाता है ना, क्लोरीन लग जाता है, फिर SO2 बनता है, फिर HCl बनता है, यस सर, या फिर पहला या फिर दूसरा, आप किस पोजीशन पे जुड़ेगा ये बताएगा आपका मैकेनिज्म। तो अभी तो मैकेनिज्म इसमें भी देख लो, इसमें भी सेम केस है लेकिन इसमें पीरिडीन ऐड कर दिया है, तो भी ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। समझ आया आप सबको? यस सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना मैंने ऐड कर दिए हैं, जो हमारे पास DPP वगैरह है ना, जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो हमारे पास मटेरियल रिसोर्स मटेरियल है उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, DPP ऐड कर दिया है और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी ऐड कर दिया है। आप लोग क्या करना, उससे प्रैक्टिस करना, और जो मैंने अभी बताया इससे भी क्या करना, आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl को, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। इसका काम क्या होता है, मान लो कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, उन्हीं की पहचान करता है कि किसको 1 डिग्री बोलेंगे, किसको 2 डिग्री बोलेंगे, किसको 3 डिग्री बोलेंगे। मान लो कि हमारे पास क्या है, 3 डब्बा है, मैंने इसमें 2 डिग्री रख दिया, इसमें 1 डिग्री रख दिया और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल रख दिया, और मैंने तीनों डब्बे आपको दे दिए और आपको मैंने बताया नहीं कि किसमें मैंने 1 डिग्री रखा है, किसमें 2 डिग्री रखा है, किसमें 3 डिग्री रखा है, बस आपको मैंने दे दिया है, तो आप कैसे पहचानोगे कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है, कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे ना। अगर आपके पास ल्यूकास रिएजेंट होगा ना तब आप लोग पहचान जाओगे। पता है कैसे? मान लेते हैं कि हमने ल्यूकास रिएजेंट को ना, जो यह ल्यूकास रिएजेंट है ना, उसको मैंने दूसरे वाले पहले वाले में डब्बे में डाला, दूसरे में डाला और तीसरे में डाला, तो जो इसमें पता है क्या, ल्यूकास रिएजेंट जब भी अल्कोहल से मिलता है ना तो टर्बिडिटी देता है। क्या देता है? टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन। क्या देता है? धुंधलापन। अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल होगा ना तो हम ल्यूकास रिएजेंट डालते ही उसमें धुंधलापन आ जाएगा, तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसमें धुंधलापन आ जाएगा, यानी कि टर्बिडिटी आ जाएगा। अगर 2 डिग्री होगा तो 5 से 10 मिनट बाद आएगा, और 1 डिग्री होगा तो 1 घंटे बाद आएगा या फिर गर्म करने पर आएगा। ये बताओ कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें करता है? 3 डिग्री। तभी तो केवल और केवल तुरंत ही टर्बिडिटी ला देता है, और 2 डिग्री वाले में 5 से 10 मिनट बाद लाता है, और 1 डिग्री वाले में गर्म करने पर या फिर 1-2 घंटे बाद। तो ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या है ये बताओ, आइडेंटिफाई करना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री डिस्टिंगाइज करना या फिर पहचानना। क्लियर है क्या? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर पूछता है। तो आओ इस पे 1-2 क्वेश्चन है देख लो। देखो यहाँ पे C2H5OH और ये देखो HX है ना, यानी कि HCl ले लो, और ZX2 है ना, यानी कि ZnCl2 ले लो। आप बताओ बन गया क्या ल्यूकास रिएजेंट? पता है क्या होता है, C2H5 और OH को हटा के X ग्रुप लग जाता है, यानी कि क्लोरीन लग जाता है, तो प्रोडक्ट तो हमारा वही बनता है। लेकिन पता है क्या, जितना ज्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ना उतना ही अच्छा यह रिएक्शन करेगा। तो जरा बताना न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, हमारे पास HI की या फिर HBr की या फिर HCl की? तो मैंने आपसे बताया था जिसकी जिसके माइनस की साइज बड़ा हो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जरा बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आई डू कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सेकंड वाला ना, सेकंड वाला सर, सेकेंड वाला। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। ये पता है क्या, जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है ना, वो तो ल्यूकास द्वारा होता ही है। विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू भी हम करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू भी करते हैं। तो जो हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा वो सही होगा। यही सब था, मैं यह डाउनलोड कर लेता हूँ। ये बताओ सबको समझ आया है? यस सर।
किसी को कोई डाउट है कहीं कुछ भी, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ आप लोग एक बार जरा। ये जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना ऑर्गेनिक उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा आप लोग का। ऑर्गेनिक को आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और जहां भी छोड़े तहां भूल जाएगा आप लोग को। सुरिंदर फिनिश हो गया, एक मिनट रुक जाओ। कौन कौन सा ग्रुप है आप लोग का जरा बताना। सक्षम? यस सर। सक्षम के बाद कौन सा ग्रुप है? एचपी, एचपी थ्री है ना? यस सर। एचपी थ्री, और एचपी थ्री के बाद कौन सा ग्रुप आता है? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम डीसीपी। ठीक है, बाकी कर लेना आप लोग, क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।